अमदावाद में चकचारी ईस्कोन अकस्मात केस में जामीन अरजी माटे तथ्य पटेले हाईकोर्टना द्वार खखड़ाव्या छे। तथ्य पटेल द्वारा केस में बिन तोहमत मुक्त करने अरजी में मांग कराई है और आ साथ ज आरोपी सामे पुलिस खोटी कलमों लगावी होवानी रजूआत पण करी छे। जो कि आ अंगे 5 डिसेम्बर रोज वधु सुनावणी हाथ धरवामां आवशे। भारतीय जलसीमामांथी आईएमबीएल नजीक नाजे करीम नामनी पाकिस्तानी बोट झड़पाई छे। भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा भारतीय जलसीमामांथी शंकास्पद पाकिस्तानी बोट साथे 13 क्रू मेंबरो झड़पाता वधु तपास हाथ धराई छे। झड़पायेली पाकिस्तानी बोट तेमज तेमां सवार तमाम 13 क्रू मेंबरो ने ओखा कोस्टगार्ड जेटी पर लेवामां आव्या छे। या तमाम सुरक्षा एजेंसीओ साथे मळीने तपास शुरू कराई छे। अमदावाद में हवामान विभागे शियाळानी शरूआत वच्चे वातावरण में पवन और भेज रहेवाथी कमोसमी वरसाद की आगाही करी छे। आगाही मुजब राज्य में आगामी 2 दिवस वातावरण सूकू रहेशे, त्यारबाद हळवाथी सामान्य वरसाद की आगाही छे। आगामी 24 नवेम्बरे वलसाड नवसारी डांग और दमण और दादरनगर हवेली में, जयरे 25 नवेम्बरे दक्षिण गुजरात तेमज दाहोद पंचमहाल खेड़ा आणंद में वरसाद की आगाही छे। राजस्थान में योजनार चूंटणी साबरकांठा में धमधमाट जोवा मळ्यो छे। जिल्लाना 5 अधिकारी साथ 600 होमगार्ड जवानों साथ बस में बेसीने राजस्थान जवा रवाना थया। तमाम जवानों राजस्थान सिरोही जोधपुर जालोर और डांगरपुर जिल्ला में फरज बजावशे तेमज विधानसभा चूंटणी पताविने आगामी 27 नवेम्बरे परत फरशे। गांधीनगर खाते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता हेठ कैबिनेट बैठक मिली। आगामी 27 नवेम्बर से 3 डिसेम्बर सुधी मुख्यमंत्री वाइब्रेंट समिट ने लेने जापान सहित सिंगापुर प्रवास खेड़ना है, जेने लेने आ बैठक में चर्चा कराई है। आ सीवाय बैठक में राज्य खेडूतों मामले पर चर्चा कर रवि सीजन में खेडूतों ने आवक वे समयसर पानी और वीजी आप मामले पर चर्चा कराई है। अमदावाद एएमसी में नवी कमिटी माटे कवायत तेज कराई छे। कमिटी में कोने स्थान आपवुं ते माटे शहर भाजप अध्यक्ष अमित शाह अने एएमसी प्रभारी धर्मेंद्र शाहे सीआर पाटिल साथे बैठक करी छे। शहर भाजप अध्यक्ष अने एएमसी ना प्रभारी केटलाक नामना लिस्ट साथे सीआर पाटिल पासे पहोंच्या हता, परंतु पाटिल एक पण नाममां सहमत न थता फरी बैठक थई शके छे। जो कि अमित शाह धर्मेंद्र शाह अने सीएम भूपेन्द्र पटेल अने जगदीश विश्वकर्मा पासे कोर्पोरेटरनी लॉबिंग कर्युं हतुं। गुजरात में अमदावाद सहित 8 सरकारी यूनिवर्सिटी में लांबा समय थी कायमी कुलपति की जगह खाली है। आ मामले कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए भाजप सरकार पर प्रहार कर्या, तेमज सरकार कायमी कुलपति निम्बा नहीं मांगती होवानो आक्षेप कर्यो छे। उपरांत बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में कायदा उल्लंघन कर निमणूक करायानो पण तेमणे आक्षेप कर्यो छे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में इंचार्ज कुलपति डॉक्टर नीलांबरी दवे द्वारा वहीवट की सरलता माटे अधिकारियों की आंतरिक बदली करवामां आवी छे, जेमां नायब कुलसचिव आरजी परमार ने जोड़ाण में हटाने एसटी सेल में मुकवामां आव्या छे, तो एएस पारेख ने महकम बीमा में हटा बांधकाम में बदली कराई छे। गुजरात डीजीपी द्वारा टीआरबी जवानों ने छूटा करवाना परिपत्र ने लेने टीआरबी जवानों में रोष है, त्यारे विरोध ने लेने वलसाड पुलिस अधीक्षक कचेरी खाते मोटी संख्या में टीआरबी जवानों भेगा थईने आवेदन पत्र आप्युं छे। जवानों द्वारा मांग करवामां आवी छे कि तेओ छेल्ला घणा वर्षोथी टीआरबी तरीके नौकरी करी रह्या छे, हाल तेमनी उम्र पण वधी गई छे, एवामां समग्र घरनी जवाबदारीओ तेमनी पर छे, त्यारे आ परिपत्र रद्द करवामां आवे अने नौकरी पर परत लेवामां आवे तेवी मांग कराई छे। नवा वर्ष की शुरुआत में भाजप सरकार हजारों टीआरबी जवानों ने नौकरी में छूटा करने निर्णय लेता गुजरात में फरी एक बार भाजप अने आप वच्चे घर्षण जोवा मळ्युं छे। भाजप सरकारे वधु एक खराब निर्णय लीधो होवानो आम आदमी पार्टीए दावो कर्यो छे। गुजरात राज्यना आप नेता ईसुदान गढवीए भाजप सरकारना आ निर्णय पर सवाल उठाव्या छे। भाजप सरकारे नवा वर्ष में टीआरबी जवानों ने नौकरी में छूटा करने निर्णय लेता विवाद बकर्यो छे। हजारों टीआरबी जवानों ने नौकरी में छूटा करने निर्णय थी टीआरबी जवानों हवे आकरा पाणीए छे। अंदाजित 500 जेटला टीआरबी जवानों विरोध नोंधाव्यो, कलेक्टर कचेरी पहोंची धरणा कर्या हता। राजकोट अनुसूचित जातिना भाजपना आगेवान राजूभाई बगड़ा भाजपथी नाराज थया छे। धोराजी धारासभ्य महेन्द्र पाडलिया अनुसूचित जातिना समाज प्रत्ये भेदभाव राखता होवानो तेओ आक्षेप कर्यो छे।
राजूभाई बगड़ाए जणाव्युं के उपलेटा स्नेह मिलन कार्यक्रम में अमारा समाजना आगेवानोने बाकात राखवामां आव्या। धारासभ्य बन्या बाद आज दिवस सुधी तेओने अमारा अनुसूचित जातिना समाजनी मुलाकात करी नथी। राजकोट में सतत त्रीजा दिवसे पीजीबीसीएल द्वारा कॉमर्शियल एकमों में चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं। उल्लेखनीय छे के रहेणांक विस्तारोनी साथे साथे कॉमर्शियल एकमों में पण वीज चोरी थाय छे, जेना पगले राजकोट अलग अलग विस्तार में चेकिंग की कार्यवाही हाथ धराई। राजकोट लीमड़ा चौक मोटी टाँकी चौक पंचनाथ प्लॉट विस्तार सहित विस्तारों में कॉमर्शियल एकम में वीज चेकिंग हाथ धराई। सूरत में खोटा दस्तावेजों की पेढ़ी रजिस्ट्रेशन कर जीएसटी चोरी करना बे आरोपी ने इको सेले झड़पी पड़ा है, जेमा शोभन शेख भावनगर थी और उमंग पटेल नामनो ईसम सूरत थी झड़पायो छे। आरोपी ने कोर्ट में रजू करी चार दिवस रिमांड मेळवाया छे। आरोपी उमंग पटेल शाह एंटरप्राइज नामनी पेढ़ी खरीदी तेमा खोटा वेचाण बिलो बनावी गुनो कर्यो हतो। अमदावाद शहर में खाणीपीढ़ी में ईयर निकळवानो सिलसिलो यथावत छे, त्यारे शहर वस्त्राल बाद हवे राणी विस्तार में आवेली एक रेस्टोरेंट में बर्गर में ईयर मळी आवता लोकोना स्वास्थ्य पर खतरो उभो थयो छे। रियल पेप्रिकाना बर्गर में ईयर निकली थी। ईयर निकलता ज ग्राहके अमदावाद आरोग्य विभाग ने फरियाद करता समग्र मामलो प्रकाश में आव्यो। तो अमदावाद शहर में रेस्टोरेंट में ईयर निकळवानो सिलसिलो यथावत छे, त्यारे वस्त्राल विस्तार में स्टार्टर्स में ईयर निकलतो आ वीडियो वायरल थयो छे, जेमां वस्त्राल गामना मेट्रो रेल रेलवे स्टेशन पासे आवेलू ब्रिटिश पिज्जा विवाद में आव्यो। स्टार्टर्स में ईयर निकलता ग्राहके उबाड़ो कर्यो, जेना पगले एएमसी ना फूड डिपार्टमेंट की कामगिरी सामे सवाल उठा छे। पाटण जिल्ला में चौमासा की सीजन में वरसाद में नोंधपात्र वधारो रह्यो, त्यारे वहीवटी तंत्रे लोक भागीदारी साथे बनावेला अमृत सरोवर में वरसादी पाणी भराया छे, जेने लईने पाटण जिल्ला में पाणी की समस्या नो आंशिक उकेल आव्यो छे। तेमज जमीन में पाणी ना स्तर ऊंचा लाबामां पण आ पाणी थी मदद मळशे। पाटण जिल्ला में हाल रवि पाकना वावेतरनी शुरुआत थई छे, परंतु खेडूतोने सिंचाई माटे पाणी न मळवाने कारणे खेडूतोने हाल परेशान थवानो वारो आव्यो छे। कारण के नर्मदानी केनालनु पाणी ब्रांचथी केनालमां नहीं छोड़ाता खेडूतोने सिंचाई माटे पाणी मळी रह्युं नथी, जेना कारणे खेडूतोए करेला रवि पाकने नुकसान थवानी भीति छे। बनासकांठाना डीसाना फुवारा पासे वीज चोरी करवा जता युवक ने अचानक ज करंट लाग्यो हतो, जेना पगले युवक नुं मौत थयुं छे। गंभीर रीते दाजेली हालत में युवक ने सिविल हॉस्पिटल खसेड़ायो, जो कि घटना ने पगले लोकोना टोळे टोळा उमटी पड्या हता। घटना ने पगले यूजीबीसीएल अने फायर फाइटर सहित की टीमों पण घटनास्थले पहोंची हती। सोमनाथ में पारंपरिक कार्तिकी पूर्णिमा मेला प्रारंभ कोलोकधाम खाते हेलीपेड ग्राउंड खाते योजायो। 1955 થી યોજાતો મેળો આ વર્ષે સાંજે 5 કલાકે જિલ્લા કલેક્ટરના હસ્તે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો। આ મેળામાં મનોરંજનના સાધનો ખાણીપીણીના સ્ટોલ બાળકો માટે રમકડા તેમજ અન્ય વેચાણ સ્ટોલ પણ ઊભા કરાયા હતા। જામનગર જિલ્લામાં બાળકો સાથે વડાપ્રધાનની વધુ એક તસવીર સામે આવી છે। વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જામનગરના 3 વર્ષીય બાળક ખનક સંતુકી સાથે વાતચીત કરી હતી। सुरेन्द्रनगर जिल्ला में राज्यव्यापी स्कॉलरशिप कौभांड की तपास में 2000 विद्यार्थी भोग बनया है, तो आ चौंकावना एक धड़ाको थो। समाज सुरक्षा शाखा में स्कॉलरशिप नाम सरकारी नाणा की 5 करोड़ रकम की उचापत करी हो बहार आयु। धोरण 10 और 12 की परीक्षा पास करेला विद्यार्थी ने सरकार द्वारा समाज कल्याण खाता में स्कॉलरशिप आपती हो। बनासकांठा जिल्ला में अमीरगढ़ चेकपोस्ट पर ड्रग्स पकड़ाया मामले महिला रिमांड दरमियान वधु एक दिल्ली थी युवती नाम खुल्यू छे। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर लग्जरी बस में 4.26 करोड़ ड्रग्स साथ वाकाई गो रिजोइस नामनी महिला झड़पाई थी। पाटण मार्केट यार्ड में कपास की जंगी आवक थी रही है, त्यारे आ बाजू भाव में घटाड़ो जोवा मळ्यो। मार्केट यार्ड में कपासना भाव ओछा मळता खेडूतों में नाराजगी जोवा मळी छे। वरसाद अने वावाझोड़ा ने कारणे कपासना ओछा उत्पादन थी खेडूतों ने मोटू नुकसान थयुं छे, तो पाटणगंज बजार में रोजनी 3500 क्विंटल कपासनी आवक थई रही छे।
पाटण जिल्ला में खेडूतों में फरी एक वक्त रवि सीजन में खातर की बूम उठी है। कौना वावेतर में डीएपी खातर विशेष जरूर हो हाल पाटण पंथक में डीएपी खातर वपराश वध्यो छे, परंतु जिल्ला में डीएपी खातर की अछत सर्जाई है। डीएपी खातर की अछत साथ भाव में वधारा छता खातर मिली रही नहीं। गत वर्षे 1100 रूपया की ठेली मिली रही थी, अत्यारे 1200 भाव है। राजकोट जिल्लाना उपलेटामां मोटी पानलीमां खेडूतोने मळता डीएपी अने एनपीके खातर माटे लांबी कतारो लगावी पड़ी, पूरतो अने समयसर जथ्थो नहीं मळतो होवानी फरियाद उठी छे। तो आंगे खेडूतोए धारासभ्य डॉक्टर महेन्द्र पाडलिया अने कृषि मंत्री राघवजी पटेलने पत्र लखी फरियाद करी छे। उपलेटा तालुकाना मोटी पानलीमां खेडूतोने शियाळु पाकनुं वावेतर करवा माटे डीएपी एनपीके खातरनी तंगी वर्ताई रही छे। મહીસાગરની કડાણા ડેમની સુજલામ સુફલામ કેનલમાં પાણી છોડાયું છે। રાજ્યના 7 જિલ્લાના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી મળી રહે છે। મહીસાગર, ખેડા, આણંદ, મહેસાણા, અરવલ્લી સહિતના જિલ્લામાં ખેડૂતોને લાભ થશે। ખેડૂતોને રવિ પાકની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે, જેથી ખેડૂતોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા પાણી છોડવાનો નિર્ણય કરાયો છે। અમરેલી વડિયાના દેવગામ ગામે નર્મદા મૈયારમાં નીર પહોંચતા કુકવાવના ધારાસભ્ય ભાજપના કાર્યકર્તાએ નીરના વધામણા કર્યા। દેવગામ સરપંચ અને ખેડૂતોએ શ્રીફળ વધારીને નર્મદાના નીરને વધાવ્યું। રવિપાક માટે સરકારે નર્મદાના નીર છોડતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી છે। પ્રસિદ્ધ ધામ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં અવારનવાર શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા અમૂલ્ય દાન અર્પણ કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે ફરી એકવાર માં અંબાના મંદિરે એક ભાવિ ભક્તે સુવર્ણ શિખર માટે સોનાની રકમ દાન કરી છે। અગાઉ માઈ ભક્તે 1 કિલો સોનાનું દાન કર્યું હતું। તે ઉપરાંત તાજેતરમાં જ બરોડાના એક માઈ ભક્તે 11 લાખનો ચેક મંદિરને સમર્પિત કર્યો હતો। જૂનાગઢમાં લીલી પરિક્રમાનો પ્રારંભ થતા રાજ્યભરમાંથી લાખો ભાવિકો લીલી પરિક્રમા કરવા પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે જૂનાગઢ જવા માટે રાજકોટ એસટી બસ સ્ટેશને મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોનો ધસારો જોવા મળ્યો। રાજકોટ એસટી વિભાગે ભાવિકોની સહેલાઈથી જૂનાગઢ પહોંચી શકે તે માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના માટે 100 જેટલી એક્સ્ટ્રા બસો મૂકવામાં આવી છે। જામનગરના સાયબર સેલે ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરતી ગેંગને ઝડપી પાડી છે। ખેડૂતોને તાલપત્રી અને દવાની એજન્સી આપવાના નામે છેતરપિંડી કરતા હતા। જૂનાગઢ શહેરમાં જામનગર સાયબર ક્રાઇમે ખેડૂતોની ફરિયાદ પર બોગસ કોલ સેન્ટર પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં જૂનાગઢની 5 મહિલા સહિત 11 ઈસમોને ઝડપી પડાયા છે। બોગસ કોલ સેન્ટરમાં ખેડૂતોને ફોન કરી ટાર્ગેટ બનાવી પૈસા પડાવવામાં આવતા હતા। સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક ખેડૂતોને વિશ્વાસમાં લઈને તેમની પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા। રાજ્યમાં ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયાના સાસરિયાઓને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે। અમદાવાદના પુષ્ટિ પરિવાર મહિલા ક્લબે ફાસ્ટ ફૂડને કેવી રીતે હેલ્ધી અને સ્વસ્થ બનાવી શકાય તે અંગે એક કુકિંગ ક્લાસનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં મોકટેલ, સ્ટાર્ટર્સ, ડેઝર્ટ સહિતની વિવિધ વાનગીઓ જાણીતા કુકિંગ એક્સપર્ટ તરલા દલાલના દીકરી રેણુ દલાલે શીખવી ઓછા સમય અને ઝડપી સ્વાદિષ્ટ રસોઈ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં આતંકવાદી ગતિવિધિ વધી ગઈ છે, એવામાં રાજૌરીમાં આતંકવાદી અથડામણમાં સેનાનો એક જવાન શહીદ થયાના સમાચાર છે। અથડામણમાં 3 જવાન ઘાયલ થયા છે। રાજૌરી જિલ્લાના ધરમશાલામાં બજીમલ વિસ્તારમાં બુધવારથી આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષાદળો વચ્ચે અથડામણ ચાલી રહી છે। આતંકવાદીઓની હાજરીમાં સમાચાર મળતા જ સવારે સુરક્ષાદળોએ આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું। કેનેડામાં ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યા બાદ ભારત અને કેનેડા વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોમાં તણાવ વધ્યો છે, તો ભારતે જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે કેનેડાના નાગરિકો માટે ઈ વિઝા સેવા સ્થગિત કરી હતી, પરંતુ રાજદ્વારી વિવાદ વચ્ચે 2 મહિનાના વિરામ બાદ હવે ફરીથી ભારતે કેનેડિયનો માટે ઈ વિઝા સેવા શરૂ કરવાની માહિતી આપી છે। તો માહિતી પ્રમાણે અંદાજે 2 મહિનાના સસ્પેન્શન બાદ ભારતે કેનેડિયન નાગરિકો માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વિઝા સર્વિસ શરૂ કરી છે। બિહારમાં આજે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં મહત્વના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં બિહારમાં કેન્દ્રને અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, અન્ય પછાત વર્ગને આરક્ષણ સુધારણા બિલને બંધારણની 9મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવા વિનંતી કરાઈ છે। બીજી બાજુ ફરી એકવાર બિહારને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો
आपती मांगनो ठराव छे ते पसार करवामां आव्यो छे। सीएम नीतीश कुमारे पोताना एक्स एकाउंट पर लख्युं छे के तेमणे फरीथी बिहारने विशेष राज्यनो दरज्जो आपवानी मांग करी छे। देशमां प्रथम वखत बिहारमां जाति आधारित वस्ती गणतरी थई छे। लोकसभानी विशेष अधिकार समितिए भारतीय जनता पार्टीना सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टीना सभ्य दानिश अली विरुद्ध वांधाजनक टिप्पणी करवा बदल 7 डिसेम्बरे हाजर थवानो आदेश कर्यो छे। आ साथे ज समितिए 7 डिसेम्बरे मौखिक पुरावा माटे दानिश अली ने पण बोलाव्या छे। आ पहेला बिधूड़ी पोतानी असमर्थता दर्शावता समिति समक्ष हाजर न थया हता। चंद्रयान 3 सफलता पर अंतरिक्ष क्षेत्रमां भारतनी सिद्धिओ पर संसदमां चर्चा दरमियान बिधूड़ीए अली विरुद्ध वांधाजनक शब्दनो उपयोग कर्यो हतो। राजस्थान कोटा में विद्यार्थियों बढ़ता आत्महत्या केस मामले सुप्रीम कोर्टे कहूं कि आत्महत्या माटे कोचिंग संस्थाओं ने दूषित ठेरवी शकाय नहीं। विद्यार्थियों माता पिता की बढ़ती जती अपेक्षाओं बाड़क पर अयोग्य दबाण लावी रही है। वास्तव में सुप्रीम कोर्टे खानगी कोचिंग संस्थाओं नियमन और तेमना मापदंड नक्की करने की मांग करती अरजी पर विचार करने इनकार करती वक्त आ टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्टे कहूं कि मृत्युआंक आनाथी वधारे होई शके छे। राजस्थान में विधानसभा चूंटणी प्रचार दरमियान वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लईने एक भविष्यवाणी करी छे। पीएम मोदीए दावो कर्यो छे के लखी राखो कि राजस्थान में फरी क्यारे अशोक गहलोत की सरकार नहीं बने। प्रदेश दरेक खूणे थी एक ज अवाज आवी रह्यो छे कि अशोक गहलोत ने मत नहीं मळे। तेमणे अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार कायदो व्यवस्था ने पेपर लीक ने लईने अनेक आक्षेपो कर्या। राजस्थान डूंगरपुर में जाहिर सभा ने संबोधित करता वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना खराब शासन ने कारण युवाओंना सपना चकनाचूर थई गया छे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकारे तमाम सरकारी भर्ती की निमणूकों में अनेक कौभांड कर्या छे। आ तमाम बाळकों साथे अन्याय समान छे। प्रदेश में भाजपनी सरकार बन्या बाद पेट्रोल और डीजल भाव की समीक्षा करवामां आवशे अने लोक कल्याण में निर्णय कराशे। राजस्थान में 25 तारीखे विधानसभा चूंटणीनुं मतदान योजावानुं छे त्यारे आ स्थिति वच्चे राजकारण पण गरमायुं छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए मंगळवारे बारण जिल्लामां रेलीने संबोधित करता कह्युं के कांग्रेस भ्रष्टाचारनुं प्रतीक छे। आजे राजस्थाननुं दरेक बाळक पण कही रह्युं छे के गहलोत जी तमने मत नहीं मळे। मोदीए बारण उपरांत कोटा अने कारोली जिल्लामां पण जाहेर सभाने संबोधित करी। राजस्थानमां कायदो व्यवस्थाने लईने मोदीए कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जणाव्युं छे के कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट थई गई है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार सामे कार्यवाही करने की मांग करी अने तबे कौभांड अने घोटाला में डूबेली कांग्रेस पार्टी परेशान थई गई है। सरकार की कार्यवाही थी डरीने कांग्रेस नेता आवा निवेदन आपे छे। राजस्थान लोग आ वक्त विधानसभा चूंटणी में डबल एंजीन सरकार की पसंदगी करशे कारण के कांग्रेसे तेना 5 वर्ष शासन में प्रदेश ने बर्बाद कर नाख्यू छे। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते जणाव्युं के आ वक्त विधानसभा चूंटणी में प्रदेश लोग फरीवार सरकार ने रिपीट करने मूड में है। मने लगे कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान 156 बैठकों पर जीतवा तरफ आगे बढ़ी रही है। राज्य में दर 5 वर्षे सरकार बदलवा ट्रेन्ड आ वक्त बदलाय थी शक्यता है। सरकारे करेला कार्यों ने जारी करेली कल्याणकारी योजनाओं की राजस्थान लोग खुश है। अमे ये निश्चित छे कि राजस्थान में फरीवार कांग्रेस की सरकार बनशे। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते जणाव्युं के पीएम मोदी रोड शो फ्लॉप साबित थयो छे। पीएम मोदी लगभग 9 किमी लांबो रोड शो हतो परंतु तेओ एटली हद सुधी गभराई गया हता के तेमणे बहारथी लोकोने बोलावा पड्या। भाजपना शीर्ष नेतृत्वए स्थानिक मुद्दाओने महत्व आप्युं नथी। भाजपना दिग्गज नेता होय के केन्द्रीय मंत्री होय तेओ लोकोने भड़कावानुं काम करे छे जे लोको पसंद करता नथी। कांग्रेस पार्टीए समजी विचारीने मेनिफेस्टो जाहेर कर्यो छे। अमारी मांग छे के केन्द्र सरकार राजस्थान सरकारनी कामगीरी नोध लेने समग्र देश में आवी योजना चलावशे। भाजपना सांसद रविशंकर प्रसादे जणाव्युं के कांग्रेस पार्टी कहे छे के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में तेमनुं महत्वनुं योगदान छे। पहला तेमणे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जशने पोताना परिवार साथे सामेल करी अने त्यार पछी तेना आधारे बादशाहत कायम थई गई। नेशनल हेराल्ड की कहानी ए छे के आ परिवार मात्र स्वतंत्रता चळवळ अने पार्टीना वारसाने ज नहीं परंतु मिलकतना वारसाने पण नियंत्रित करे छे अने पछी तेओ पोतानी अंगत मिलकत बनावे छे।